दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बारिश के दिनों में मुख्यतः सभी प्रकार की फसलों में लगने वाले मुख्य रोग, यानी कि चाहे सब्जियों की फसल हो या फिर कपास या आपकी मूंगफली वगैरह या अनाज या दालें वगैरह हो, सभी तरह की फसलों में लगने वाले मुख्य रोग उखटा, जड़ गलन या डंपिंग ऑफ के बारे में किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, रोग आने के बाद में हम ड्रेंचिंग वगैरह भी करते हैं, स्प्रे वगैरह भी करते हैं, लेकिन उससे हम ज़्यादा कंट्रोल उसको नहीं कर पाते। प्रिवेंटिव में अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, प्रिवेंटिव में कुछ स्टेप आप अगर अपना लेते हैं, तो ये रोग आपकी फसल में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग करके आप अपनी फसलों से जड़ गलन और डंपिंग ऑफ जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू और मेरा नाम है सुरेश सिहाग। तो दोस्तों बारिश के दिनों में लगने वाले कवकनाशी जितने भी रोग होते हैं फंगस से रिलेटेड, आपका जड़ गलन हुआ, तना सड़न हुआ या डंपिंग ऑफ वगैरह जितने भी जो रोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया जो उत्पाद होता है वो होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा अगर आप बुआई से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो काली जड़ वगैरह हो जाती हैं या आपके पौधे जो है मरकर सूखकर निकल जाते हैं या फिर फंगस से रिलेटेड जितने भी रोग आपकी फसलों में आते हैं उन सबको ट्राइकोडर्मा से अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बस आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है सही तरीके से करना आना चाहिए। सही तरीके से अगर आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, सही समय पर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा से बेस्ट उत्पाद कोई दूसरा नहीं हो सकता फंगस को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों इसको उपयोग करने का सही तरीका कौन सा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको 1 kg ट्राइकोडर्मा लेना है और उसमें उसके लिए करीब 200 kg सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेनी है। ट्राइकोडर्मा आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, जैसा आपके अदर फंगीसाइड वगैरह आते हैं उसी तरह का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। उसको 200 kg गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला लेना है 1 kg ट्राइकोडर्मा, अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पानी से छिड़काव करके थोड़ी सी उसके अंदर नमी ला देनी है। थोड़ी हल्की, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी हल्की सी उसमें नमी आ जाए और अच्छी तरह से आप उसको मिक्स कर देना है और किसी पेड़ की छांव में ये काम आपको करना है। दोस्तों जब भी आप ट्राइकोडर्मा के साथ गोबर की खाद को मिक्स करें तो उसके लिए आपको जब भी आप ये काम करें हमेशा पेड़ की छांव में ही ये काम करना है, यानी दिन भर की धूप उसे नहीं लगनी चाहिए। तो क्योंकि हमें इसको 5-6 दिन तक पड़ा रहने देना है, छोड़ देना है 5-6 दिन तक, और 5-6 दिन तक आपको कंटिन्यू इसमें हल्की हल्की नमी बनाए रखना है। सुबह या शाम को एक बार हल्का सा पानी उसमें आपको डाल देना है, किसी झारे वगैरह की सहायता से हल्की सी नमी मतलब उसमें होनी चाहिए, और ऊपर जो बोरियां, जूट की बोरियां होती है वो डालकर आपको उसको कवर कर देना है। जो गोबर का ढेर होता है 200 kg का, उसको आपको कवर कर देना है और 6-7 दिन तक आपको उसको पड़ा रहने देना है। उसके बाद में आपको इतनी देर तक आपको अपनी ज़मीन की जो है बाकी तैयारियाँ कर लेनी है, अच्छी तरह से 2-3 बार उसका कल्टिवेशन कर लेना है और हल्की हल्की ज़मीन में सिंचाई भी कर देनी है। जब आप ट्राइकोडर्मा अपने खेत में डालते हैं मिट्टी में नमी होनी ज़रूरी है, सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आपका गोबर तैयार होती है खाद ट्राइकोडर्मा के साथ मिक्स होकर, तब तक बाकी की तैयारियां आपको अपनी ज़मीन की कर लेनी है। सारी आखिरी तैयारियां करके उसके बाद में आप अपनी ज़मीन की जो है डालने से पहले अच्छी तरह से सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, मतलब अच्छी तरह से नहीं करनी है, हल्की सिंचाई कर दें, और उसके बाद में ट्राइकोडर्मा को भुरकाव विधि से अपने खेत में डाल दें। ये जो मैंने खुराक बताई है 200 kg गोबर की, ये आपको 1 एकड़ ज़मीन में डालनी है। 1 एकड़ ज़मीन में ट्राइकोडर्मा से मिक्स गोबर की खाद आपने डाल दी, उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन कर देना है, रोटावेटर या हैरो की सहायता से उस खाद को खेत के अंदर मिक्स कर देना है, और उसके बाद में अपना जो सीड सोविंग है या फिर आप कल्टीवेटर वगैरह से मोटे अनाज की दाल वगैरह या अनाज वगैरह जो फसलें बो रहे हैं वो लगा रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा चाहे आप किसी भी कंपनी का लें, किसी भी तरह का लें, लेकिन आपको उसको किसी भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ उसको सुसंगत ना करें, यानी किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ इसको मिक्स नहीं किया जा सकता, या आपका इंसेक्टिसाइड हो या फिर आपका किसी भी तरह का फंगिसाइड हो उसके साथ इसको कभी भी भूलकर भी मिक्स ना करें, वरना आपका ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक तरह से जैविक उत्पाद होता है और जैविक को जो है कीटनाशकों के साथ सुसंगत नहीं किया जा सकता, तो आप
आप इसको अकेले ही अपने खेत में डाल देना है और उसके बाद में कल्टीवेशन करके और आपको अपने खेत की बिजाई या बुआई कर देनी है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप किसी भी तरह की फसलों में कर सकते हैं, सभी तरह की सब्जियों की फसलों में कर सकते हैं, सभी तरह की अनाज वर्गीय फसलों में कर सकते हैं और सभी तरह की दाल वर्गीय फसलों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, फंगस का अटैक बारिश के दिनों में तो नर्सरी वगैरह होती है उनमें सबसे ज़्यादा होता है। फूलगोभी की या पत्ता गोभी की जो नर्सरी है उसमें तो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी बैंगन की नर्सरी हो या टमाटर की नर्सरी हो या मिर्ची की नर्सरी हो, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। यानी चने जैसे फसलें हैं उनमें, चने में तो सबसे ज़्यादा होता है, मूँगफली में भी काफ़ी होता है और कपास में भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह की समस्याएँ अगर आपके प्लॉट में आपको देखने को मिलती हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके जितने भी फंगस से रिलेटेड रोग होते हैं उनको आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने इस वीडियो में आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश की है, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।